ओम शांति। संगम युग पर विशेष दो मास ऐसे होते हैं जैसे जनवरी मास आते ही साकार बाबा की यादें दिला देता है और उनके संग बिताए हुए दिन मानस पटल पर आ ही जाते हैं, स्मृति आ जाती है। इसी प्रकार से जून मास आते ही मातेश्वरी, जगत अम्बा, सरस्वती, मम्मा की यादें सारे दिल और दिमाग पर छा जाती है, स्मृति आती रहती है, क्योंकि मम्मा के संग जो बिताए हुए दिन हैं, जो मम्मा का प्यार मिला, दुलार मिला, स्नेह मिला और शिक्षाएं मीठी मीठी मिली, जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन किया। मम्मा ने मुझे चलना सिखाया। एक बार मैं चल रही थी, थोड़ा चप्पल की आवाज आ रही थी, मम्मा ने बुलाया, मिठरी इधर आओ, ये खितिर खितिर करके नहीं चलते हैं देवताएं। तो इसी प्रकार मम्मा ने चलना सिखाया, मम्मा ने हंसना सिखाया। एक बार मैं किसी बात पर थोड़ा जोर से हंस दी खिलखिला करके, तो मम्मा ने मुझे बुला के कहा कि देवताएं मुस्कराते हैं, हर्षित मुख होते हैं, तो हम ब्राह्मण बच्चे देवता बनने वाले ऊंची आवाज में नहीं हंस सकते हैं। ऐसा हंसना एक विकार की निशानी होती है। तो उस दिन से मम्मा ने जो मुझे हंसना सिखाया, मुस्कराना सिखाया, तो वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग बन गया। मम्मा ने मुझे इकोनॉमी सिखाई। मधुबन में गोरी दादी थी तो वो सभी को मांस का साबुन देती थी, कपड़ा धुलाई का और भी सभी सामान। तो एक चिक्की साबुन एक मास चलाना होता था, उसमें यज्ञ इतना संपन्न भरपूर नहीं था। तो मेरी 3 हफ्ते में साबुन की चिक्की खत्म हो गई। मैंने बोला, मम्मा मेरा साबुन खत्म हो गया। मम्मा ने कहा, एक मास चलाना था, कैसे खत्म किया? बोला, मम्मा हमने कपड़ा ही तो धोया है, तो मम्मा ने हमको साबुन तो दिला दिया और कहा जब तुम कल कपड़ा धोना तो मम्मा तुमको सिखाएगी। फिर मम्मा ने आके सिखाया कि देखो जो गंदा होता है वो ब्लाउज का कफ और कॉलर गंदा होता है और साड़ी का फॉल नीचे गंदा होता है, तो उसको तुम चुन्नट बना करके मुट्ठी में ले लो और हल्का सा गीला करके साबुन लगा के रगड़ दो, हाथ से मसल दो और ऐसे ब्लाउज का भी करो तो बीच में साड़ी इतनी गंदी नहीं होती है, हल्का सा साबुन लगा दो और सब साफ हो जाएगा। तो मम्मा ने कपड़ा धोना इकोनॉमी सिखाई। फिर वो साबुन जो मुझे मिला था कपड़ा धुलाई का, मेरा 5 हफ्ते चला, जो 1 हफ्ता कम पहले था और 4 हफ्ता बाद का। तो मम्मा ने इकोनॉमी से काम कैसे किया जाता है वो चल सिखाया, कपड़ा धोना भी सिखाया, तो इकोनॉमी के संस्कार बन गए। इसी तरह से एक बार पालक आई थी तो मम्मा ने कहा, ये पालक साफ कर लो, तोड़ लो। मैंने ऊपर ऊपर की पत्तियां तो तोड़ी, लेकिन नीचे के जो जड़ में उसके किल्ले छोटे छोटे पत्ते होते मुलायम, उसको छोड़ दिया। फिर मम्मा ने तोड़ के दिखाया, कहा देखो इतनी पालक के डंडियों के बीच में इतना निकला है, 1 लोगों का साग बन सकता है, तो इसको भी सफल करना है, ऐसे नहीं फेंकना है। तो हर तरह से मम्मा ने सिखाया। एक दिन मम्मा ने मुझे बुला के कहा कि मैं रोज गुरुवार को भोग बनाती हूँ। फिर मम्मा जाती थी मुरली सुनाने चलाने, भोली दादी तैयारी करके रखती थी, तो मम्मा मुझे साथ ले गई और कहा, देखो ऐसे बाबा का भोग बनाना है,
बाबा कल्प के बाद आया है और इसी समय हम ब्राह्मण बच्चे बाबा को भोग प्यार से स्वीकार कराते हैं। द्वापर युग में तो मूर्तियों के आगे रखा। अगर किसी का भाई, चाचा, मामा, काका, पिता कोई भी आ जाए विदेश से, जो सिर्फ 3 साल के बाद आया होगा, तो बहुत प्यार से उसको भोजन खिलाएंगे कि 3 साल से बाद विदेश में आया और हमारा माता पिता बंधु सखा साजन सतगुरु 5000 वर्ष के बाद कल्प में आया है और फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगा, तो उसको बहुत प्यार से अपने हाथ से भोजन बना के भोग लगाना है। तो इसी तरह से मम्मा ने कहा, कुछ भी हो, कितना भी व्यस्त रहो, लेकिन बाबा का भोग अपने हाथ से बनाना। और वो बात मम्मा ने दिल में इतनी छाप लगा दी जो आज तक भी मैं बाबा का भोग बनाती हूँ। जैसे मम्मा क्लास से पहले जा करके बना के भोग का तैयारी करके जाती थी, इस तरह मम्मा ने मुझे एक दिन कहा, बच्ची तुम कभी झूठ ना बोलना, कुछ भी हो जाए लाइफ में झूठ नहीं बोलना, कोई तुमको फांसी नहीं चढ़ाएगा, सच्चाई को धारण करना, तुम्हारी विजय होगी, सत्यता में विजय है। तो उस दिन से मैंने अपने दिल में रख लिया कि मुझे लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलना है। लेकिन एक बार ऐसा वाकया आया जो मेरा झूठ बोलने का दिन आ गया। बात ऐसी थी कि हमारी जो रतन मोहिनी आदरणीय दादी जी हैं, उनकी माँ देवी माँ कलकत्ता से आबू जा रही थी, तो रास्ते में सुबह 4 बजे वो ट्रेन आती थी। ट्रेन का नाम मुझे याद है, अपर इंडिया गाड़ी। जनवरी का मास था, तब ईंधन का कोई साधन नहीं था, कोयले की सिगड़ी जलाई जाती थी। सुबह 2 बजे उठ करके मैंने सिगड़ी जला के उनके रास्ते का भोजन तैयार किया और बहुत दूर चलने के बाद मुझे साइकिल रिक्शा की सवारी मिली। सर्दी का दिन था, अंधेरा था, और जैसे मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंची, सवेरे 4 बजे ट्रेन आके खड़ी हो गई। और मैंने जब टिफिन दिया तो सबसे पहले ये प्रश्न किया कि विद्या तुमने भोग लगाया है? एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने कहा जी। मुझे लगा अगर कह दें कि मैंने भोग नहीं लगाया है तो ये भोजन नहीं खाएंगी, और कानपुर से लेके दिल्ली तक कोई सेवा केंद्र नहीं है जो रास्ते में भोजन दे सके, तो सर्दी में भूखी जाएंगी। 3 बार मेरे से पूछा, सच बोलती हो? मैंने कहा हाँ मैं सच बोलती हूँ। क्या मैं ये भोजन खा सकती हूँ? हमने कहा हाँ आप खा सकते हैं। पक्का भोग लगाया? हमने कहा हाँ पक्का लगाया। उनको तो भोजन देके चले आए लेकिन अंदर दिल खाती रही। पर वो दिन है कि आज दिन है, 60 साल होने को जा रहे हैं, जब भी कोई मेहमान आए या सवेरे 3 बजे उसको जाना हो, 4 बजे जाना हो, तो स्नान करके ही नियम बना लिया कि भोजन बनाना है और बाबा को भोग पहले लगाना है, पीछे किसी को टिफिन देना है। कुछ भी टोलियां बनती है तो पहले बाबा को भोग लगाते हैं, उसके बाद किसी को टोली खिलाते हैं। तो ये हमारे जीवन का एक पक्का नियम बन गया। और वही दिन था जो मैंने झूठ बोला था, उसके बाद मैंने शायद स्वप्न में भी झूठ नहीं बोला है। जो बात है वो सच बता दिया है, क्योंकि मामा ने कहा सच तो बिठो नच, हमेशा सच्चाई को साथ में रखना। फिर एक दिन मम्मा ने कहा कि तुम आस्तिक बन के रहना, कभी नास्तिक नहीं बनना। ऐसे नहीं केवल बाप को पहचान लिया तो आस्तिक हो गए, किसी भी कार्य में ना शब्द बोलना वो नास्तिक बना है। कभी भी कोई कार्य कहे तो जय छूटते नहीं कहना कि हमको नहीं आता है या हमने कभी किया नहीं है। और जरूरी नहीं कि सब कार्य सबको करना आता हो, लेकिन जो कार्य बताता है उसको आता है। तो ये कहना कि आप मुझे इसका तरीका बता दीजिए, फिर मैं कर लूंगी।
पर कभी ना कहना मुझे नहीं आता या मैं नहीं कर सकती हूँ। इसलिए कभी ना शब्द कह के नास्तिक नहीं बनना। फिर मामा ने कहा कि सदा ट्रांसपेरेंट रहना, पोस्ट कार्ड बन के रहना, लिफाफा बन के नहीं रहना। लिफाफे में सस्पेंस रहता, पता नहीं इसके अंदर क्या लिखा रखा है। तो ऐसे सोचना और कहना और करना, ये तीनों स्पष्ट एक समान होगा तो ट्रांसपेरेंट होगा। किसी को दुविधा नहीं होगी कि पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है किसी के प्रति। उसके बाद मम्मा ने कहा कि तुम सदा फीलिंग प्रूफ बनो, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी बातें आएंगी जो फीलिंग में लाएंगी, और फीलिंग फिलू की बीमारी है। वो क्या करेगी जब बीमारी आती है फीलिंग की, तो खाना, कार्य करना, किसी से बात करना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो फिलो तो रग रग को दर्द पहुंचाता है, ये मन को बहुत दर्द पहुंचाएगा। तो फीलिंग में नहीं आना। और सबसे पहला तुम्हारे को फीलिंग का पेपर आएगा जब तुम सेवा केंद्र पर जाएंगी, और वहां पर सबसे पहले तुमको ऐसी क्लास दी जाएगी जो फीलिंग के लिए निमित्त बनेगी, जो अच्छे बुद्धिवान होंगे, धनवान होंगे, पोजीशन वाले होंगे, उनको तो बड़ी बहन जी अटेंड करेंगी, और जो साधारण बूढ़े होंगे, गरीब होंगे, अनपढ़े होंगे, गांवड़े वाले होंगे, उनको कहेंगे जाओ इनको तुम अटेंड कर लो। तो मन में आएगा कि अच्छों अच्छों को तो आप सुनाती हैं और साधारण हमको देती हैं। मम्मा ने कहा उनको कभी साधारण नहीं समझना, क्योंकि वो अपना कल पहले वाला खोया हुआ वर्षा लेने के लिए आई है आत्मा, तो वो बाप के वर्षे के हकदार हैं। आत्मिक रूप से देखना और आत्मिक रूप से ही उनको समझाना, ताकि वे बाप से अपना हक ले लें, पोजीशन, पद ये कुछ न देखना। तब से मेरे मन में मम्मा ने ये भावना भर दी कि कोई भी आत्मा आई है बाबा के घर में, वो अपना कल पहले वाला खोया हुआ वर्षा लेने आई है, तो उसको वर्षा दिलाना ये हमारा परम कर्तव्य है। ऐसे मम्मा ने ये सब बातें सिखाई, और मम्मा के साथ साथ रहते हुए इन सब बातों को सीखा। उसके साथ मम्मा ने बहुत सारी बातें हमको सिखाई। तो ऐसे ही कहेंगे कि माँ ने हमारी पालना बहुत अच्छे तरह से की, और जो मेरे जीवन का अंग बन गया, और जिससे मेरे जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति हुई, या उस अनुभव के आधार पर हम बहुत सरलता से चलते चले आए। शुरू करूं? और ऐसे ही मम्मा ने कहा कि अथक सेवाधारी बनना है, कभी थकना नहीं है, और थकावट वास्तव में होती नहीं है, हमारे सोच के ऊपर है। जब मालूम होता है कि कल इतना काम करना है, तो वो सोच करके पहले ही उसका असर दिमाग में आता है, तो सोचेंगे सवेरे थोड़ा और सो लें, आराम कर लें, क्योंकि दिन भर बहुत कार्य है, या फिर कार्य कर लिया तो शाम को रिवाइज करेंगे, आज इतना काम किया, बहुत ओवर कर लिया, तो थकावट आती है। तो कभी ऐसी बात सोचेंगे नहीं तो थकावट होगी नहीं। और ये मम्मा के वहां वाक के वरदान रूप में बने, जो कभी भी मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि मैं थक गई हूँ। कैसा भी हो, दिन हो, रात हो, कोई भी कार्य हो, स्थूल सूक्ष्म, मुझे थकावट नहीं महसूस हुआ कि मैं थक गई हूँ। और मम्मा ने कहा संग दोष से बच करके रहना। सोए हुए व्यक्तियों का भी संग दोष लगता है। अमृत वेले उठेंगे, तब एक कमरे में 8 खाटिया होती थी, तो सभी एक साथ सोते थे। मम्मा ने कहा
कि जब उठेंगे अमृत वेले नींद तो खुलेगी, लेकिन देखेंगे अभी वो भी नहीं उठा, वो भी नहीं उठा, तो सोचेंगे हम भी अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और सबसे लास्ट में उठेंगे तब मुँह हाथ धोने के लिए हमको बाथरूम खाली मिलेगा। नहीं, सबसे पहले मुझे उठना है, जो कर्म हम करेंगे हमको देख करके दूसरे करेंगे। तीसरा, मामा ने बहुत सारी शिक्षाएं दी और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मम्मा के हाथों से सब मेरी पालना हुई है, मम्मा के नजरों से दृष्टि से मम्मा ने निहाल किया है। और अंतिम घड़ी, जैसे मम्मा कहते थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जब मम्मा की भी अंतिम घड़ी का समय आया तो मैं मधुबन में ही पहुंच गई थी, और वहां पहुंचा तो मम्मा के हाथों से दृष्टि मिली, और जो बाबा ने बगीचे के अंगूर लगाए थे वो मम्मा ने बड़े प्यार से अंगूर दिए और पूछा अच्छे हो, राजी खुशी हो, संतुष्ट हो। तो ये अंतिम भी मम्मा के जो महावाक्य और अंगूर की टोली मिली, तो मुझे बहुत बहुत लगता है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो आदि से अंत तक मैंने मम्मा से सब कुछ सीखा और लास्ट मम्मा के दर्शन करके दृष्टि ले करके मम्मा ने जो शक्ति भरी वो ले करके, ये बाबा का कहें या मम्मा की करामात कहें और या अपना भाग्य ड्रामा में कहें, जो मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए लगता है कि मैं कोटों में कोई और कोई में कोई, और मुझे मम्मा ने इतना लायक बनाया तो मैं मम्मा का दिल से कितना शुक्रिया अदा करूं। और मम्मा के लिए मुझे बहुत बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत सारा स्नेह है, और स्नेह भरी मम्मा की यादें मेरे दिल में समाई हुई है, जो मैंने अनुभव किया वो आप सबके साथ शेयर किया। और मैं किन शब्दों में मम्मा का धन्यवाद कहूँ। ओम शांति।